अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नसरीन ईट चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिक्का बोटी की रेसिपी। मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया था, ये बोनलेस था। अब आपने इसको जो है वो इस तरह क्यूब्स में कट कर लेना है, ना ज़्यादा बड़ी बोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी, इस तरह के आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। इसको आपने धोकर खुश कर लेना है इसका पानी सारा, फिर उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। ये देखें मैंने इसको खुश कर लिया था, अब आपने इसके मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। मैंने ये एक टिक्का मसाला लिया था शान का, आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेनी थी, 1 टीस्पून काली मिर्चें लेनी थी, 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून जो है मैंने फूड कलर लिया था कलर के लिए, और 2 टेबल स्पून भरकर कचरी पाउडर। आप इसकी जगह जो है वो पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 ये थे और उनका रस निकाल लिया था मैंने। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी मैरिनेशन में जाएंगी। अब ये गोश्त में आपने ये सारे मसाले डाल देने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है सबसे पहले आपने इसमें। और ख्याल रखिएगा कि आपका लहसुन अदरक जो है वो फ्रेश कुटा हुआ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है आपने, पिसी हुई लाल मिर्च, कचरी पाउडर, ब्लैक पेपर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये तमाम मसाले आपने इसमें शामिल कर देने जो सब मैंने आपको दिखाए थे। जनाब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हर नए आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी। देखिए मैंने ये सब मसाले डाल दिए थे इसमें, टिक्का मसाला, कचरी पाउडर, मैंने यहाँ पर ना 1/2 टीस्पून नमक भी शामिल किया था। आप टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा क्योंकि मसाले में भी जो है वो नमक होता है, इसलिए आपने टेस्ट करने के बाद ही शामिल करना है। और 2 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें जो है वो घी शामिल किया था, हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाता है। अच्छा अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे तो आप हाथ से कर लें या स्पून की मदद से कर लें। आपने इतना अच्छा इसको मिक्स करना है कि मसाला जो है वो बोटियों पर अच्छे से लग जाए, कोई भी बोटी जो है वो बाकी ना रहे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था मसाला बोटियों पर। ये देखें आप, मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया था, आप जो है वो इसकी जगह बकरे का भी ले सकते हैं या फिर चिकन में भी बना सकते हैं आप इसको। मसाला हमारा अच्छे से बोटियों पर लग चुका है, अब आपने इसको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप इसको एक दिन पहले भी मसाला वगैरह लगा कर रख दें तो और ज़्यादा मैरिनेट अच्छा होगा हमारा गोश्त। अब मैंने एक ग्लव्स पहन लिया था, इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लिया था ताकि मेरे हाथों पर मिर्चें ना लगें। अब मैं जो है वो इसको सीखों पर लगाना स्टार्ट करूँगी। अगर आपके पास सीखे अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसको तवे पर या फिर कढ़ाई में भी इसी स्टेज पर बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल करना, तो आपने इसको तवे पर या कढ़ाई में बना लेना है, या फिर सीखों पर भी आप इस तरह इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने सीखों पर बोटी लगाना स्टार्ट कर दी थी, मैं एक सीख में 5 से 6 बोटियाँ लगाई थी और गैप दे देकर लगानी है आपने ताकि अच्छे से आपकी बोटियाँ जो हैं वो टिक्के सिक जाएं। ये देखिए मैंने इस तरह इनको सेटिंग से लगाना स्टार्ट कर दिया था। ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है ये रेसिपी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसी तरह आपने सारी जो है वो टिक्कों को जो है वो सीखों पर लगा लेना है। ये देखिए मेरी एक सीख रेडी हो गई है, अब मैं आपको इसी तरह दूसरी सीख भी रेडी करके दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत जूसी थे, सॉफ्ट बने थे। आपने इसी तरह रेसिपी को जो है वो ट्राई करना है। ये देखें हमारी एक सीख रेडी हो गई है, दूसरी भी इसी तरह रेडी हो जाएगी। इसी तरह आपने सारी जो है वो टिक्के सीखों पर लगा लेने, ये देखें। और आपने हाथ का ख्याल रखना है कि आप सीख जो है वो आपके हाथ में ना लग जाए। मैंने ये जो है वो कोयले दहका लिए थे और इसकी आग जो है वो बुझ जानी चाहिए जब आपने सीखे रखनी है, नहीं तो आपकी बोटियाँ जो है यानी टिक्के वो ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से बोटी कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने कोयले दहकाने के बाद ना जब तक उसकी आँख ना बुझ जाए जब तक आपने इस पर सीखे नहीं रखनी है। ये देखें मेरी आँख कोयले अच्छे से दहक गए थे, फिर मैंने इस पर सारी सीखे रख दी। और 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है जब इस पर एक साइड कलर आ जाए। देखें मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और ये दूसरी साइड से भी चेंज कर देनी है आपने 5 मिनट के बाद। इस स्टेज पर अब आपने इसमें ब्रश की मदद से घी या ऑयल लगाना स्टार्ट कर देना है। ये देखें मैंने ब्रश की मदद से लगाया था
अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप स्पून की मदद से भी इसमें जो है वो ऑयल या घी लगा सकते हैं। ये देखें हमारे टिक्के जो हैं वो अच्छी तरह सिक गए हैं। आपने 5-5 मिनट्स बाद जो है वो साइड चेंज कर देनी है। देखें अच्छे से जो है वो सेक लेने हैं आपने। ये देखें हमारी सीखें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इस स्टेज पर आपने इसको उतार लेना है। आप इसको नान और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, और साथ में रायता ग्रीन चटनी बनाए बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत सॉफ्ट और जूसी बने थे ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नसरीन ईट चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वेट योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।